अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस अपडेट के अंदर दो अहम नोटिफिकेशन, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू जो है शेयर करने लगा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन की जो कैंसिलेशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और उसमें जो पेंशनर्स हैं पंजाब के, जो सरकारी मुलाज़मीन पंजाब के पेंशनर्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे रिटायरमेंट के वक्त जो उनको माली नुकसान होगा, तो उसका तखमीना भी बहुत ज़्यादा जैसा कि लगाया जा रहा है और सबको पता भी है। और इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, वो भी जो पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और CEOs के नाम जो है मुरासला जारी किया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अब इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पर वक्त पहुँचते रहें। तो सबसे पहले आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन APCA की तरफ से प्रोविंशियल एग्जेक्टिव बॉडी APCA पंजाब जो है, ज़फ़र अली खान और सैयद ताहिर रज़ा शाह, ये 25 अगस्त 2023 का जो है ये मरासला है, यानी एक किस्म का लेटर है, और ये आल द डिवीजनल प्रेजिडेंट APCA पंजाब में उनकी तरफ, और तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रेजिडेंट जो हैं पंजाब में उनकी तरफ है। इसका सब्जेक्ट है कि स्ट्राइक प्रोटेस्ट धरना अगेंस्ट द अमेंडेड रूल ऑफ लीव इनकैशमेंट ETC। ये एहतजाज होगी, हड़ताल होगा और धरना होगा। ये जो लीव इनकैशमेंट के कवानीन जो में जो तरमीम की गई है उसके खिलाफ, इट इज़ ब्रॉट इनटू योर नोटिस दैट अ मीटिंग ऑफ AGEGA वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा, सेंट्रल प्रेसिडेंट APCA पाकिस्तान, चेयरमैन AGEGA पंजाब एट गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर। ड्यूरिंग द मीटिंग इट वाज, ये कहा गया कि जो चेयरमैन AGEGA हैं उनकी तरफ से एक मीटिंग जो है वो मनक़द हुई चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा, चेयरमैन सेंट्रल प्रेसिडेंट भी हैं APCA पाकिस्तान के और चेयरमैन AGEGA पंजाब में। ये गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में मीटिंग हुई थी। एज अनैनिमसली डिसाइडेड दैट AGEGA शेल गो ऑन स्ट्राइक प्रोटेस्ट ऑल ओवर द पंजाब फॉर इमीडिएट विदड्रॉल ऑफ अमेंडेड लीव इनकैशमेंट रूल्स एंड सो ऑन, ऑफ दीज अमेंडमेंट्स आर अनकॉल्ड फॉर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो जो अमेंडमेंट की गई हैं लीव इनकैशमेंट के हवाले से पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए, तो इस नोटिफिकेशन जो है इसकी कैंसिलेशन के लिए जिन्होंने जारी किया है गवर्नमेंट ने, तो एहतजाज किया जाएगा ऑल ओवर द पंजाब जो है, तो इस हवाले से ये कॉल दी गई है चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब जो हैं उनकी तरफ से। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक बैक द अबव मेंशनड अमेंडमेंट्स इन लीव इनकैशमेंट रूल्स ETC अप टू 31 अगस्त 2023, देन यू आर ऑब्जर्व स्ट्राइक एंड गो ऑन प्रोटेस्ट धरना एज पर फॉलोइंग शेड्यूल प्लीज़। अगर गवर्नमेंट 31 अगस्त 2023 तक ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं लीव इनकैशमेंट रूल्स के हवाले से इनको वापस नहीं लेती है, तो तुम्हें जो है वो स्ट्राइक करनी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, धरना होगा दर्ज ज़ैल शेड्यूल के मुताबिक। सीरियल नंबर 1 में है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौर है, डेट एंड टाइम ऑफ प्रोटेस्ट और धरना जो है वो 5 सितंबर 2023 है, और जगह होगी इन फ्रंट ऑफ सिविल सेक्रेटरीट पंजाब लाहौर के सामने। और सीरियल नंबर 2 में जो है वो है ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट के सारे जो अजला हैं पंजाब के उनमें एहतजाज होगा 5/9/2023 को, और इन फ्रंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, ये DC ऑफिस जो हैं उनके सामने जो है वो धरना होगा। शफकत रसूल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट APCA पंजाब के सिग्नेचर हैं, ज़फ़र अली खान प्रोविंशियल प्रेसिडेंट APCA पंजाब। तो जी व्यूअर्स, ये नोटिफिकेशन जो है ये 5 सितंबर दफातर के जो क्लर्क हैं उनकी तालाबंदी, हड़ताल और धरना, लीव इनकैशमेंट रूल जो हैं उनमें जो अमेंडमेंट की गई है कि गवर्नमेंट जो इसको वापस ले। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 24 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर्स और जो तमाम CEOs हैं जिनमें ये अजला शामिल हैं, अटक, बहावल नगर, बावलपुर, पक्कर, चनेड़, डीजी खान, हाफिजाबाद, छंग, जेलम, कसूर, कुशाब, लिया, लोधरा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहिब, अकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, शेखुपुरा, पिहाड़ी। तो इन CEOs की तरफ और DCs की तरफ इन अजला के
इसका सब्जेक्ट है कि आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की जो पेमेंट है अदायगी जो है, यानी इसमें जो साझा काम कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मिलियन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम क्लास 1 to 10 इन पंजाब विद द मोटो ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है महकमा तालीम पंजाब जो है वो बच्चों को मिलियन बच्चों को जो है वो क्लास 1 से 10 तक जो है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये फ्राहम कर रहा है। एंड इट इज़ बेसिक राइट आफ्टर 18 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो 18वीं तरमीम है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये एक बुनियादी हक है 1973, ये हवाला दिया गया है। नंबर दो, द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इज़ असाइनिंग पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15। तो हुकूमत पंजाब जो है वो 5 साल से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे हैं इस उम्र के, उनको जो है वो तालीम जो है वो मुहैया कर रही है। इदारे बने हुए हैं, स्कूल हैं, अंडरटेकिंग मल्टीपल इनिशिएटिव्स टू इम्पार्ट इट टू ऑल चिल्ड्रन स्पेशली द फॉर गर्ल्स एट देयर डोर स्टेप्स, और उनके घर की दलीज पर बिलखसूस जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये तमाम किया गया है, जैसे कि आफ्टरनून स्कूल हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इनिशिएटेड एट पायलट प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम इन सेलेक्टेड 22 डिस्ट्रिक्ट इन ईयर 2017 टू इंश्योर रिटेंशन एट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल। तो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो है इसने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम का सेलेक्टेड 22 जिला में 2017 में जो है वो शुरू किया है ये प्रोग्राम एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पर। नंबर तीन, टीचर्स आर टीचिंग एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल क्लासेज इन इवनिंग आवर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम वेरी सक्सेसफुली। जो असाज़ा हैं वो एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल क्लासेज जो हैं वो इवनिंग के वक्त जो है वो जैसा कि मैनेज कर रहे हैं और कामयाबी के साथ जो प्रोग्राम है। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोविज फंड्स फॉर दिस इनिशिएटिव इन पास्ट। तो माजी में भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फंड दिए आल्सो एंड नाउ इंटेंड्स टू कंटिन्यू दिस पायलट प्रोग्राम, और अब ये पायलट प्रोग्राम जारी रखे हुए इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सैलरीज पेड टू टीचर्स ऑफ पायलट प्रोग्राम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी आउट बजट विदाउट फॉर प्लीज। तो ये बजट जो है, ये तनख्वाह जो है, इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को बजट दे रही है, यानी अब जो तनख्वाहें देनी हैं इंसाफ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में पढ़ाने वाले साजा को, तो अब ये इंसाफ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में पढ़ाने वाले साजा के लिए एक अच्छी खबर है। तो इंशाल्लाह करीब जो है विद इन वीक जो है इंशाल्लाह तनख्वाहों का यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो नीचे सिग्नेचर भी आप देख रहे हैं व्यूवर्स। इसी अपडेट के साथ जो है इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।